सैमसंग ने फाइनली लॉन्च कर दी है नोट 20 अल्ट्रा। और आज ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, हम इसमें नोट 20 अल्ट्रा का करेंगे रिव्यू और मैं आपको बताऊंगा कि आपको नोट 20 अल्ट्रा बाइक करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम नोट 20 अल्ट्रा की लुक के बारे में बात करें तो बैक साइड पे आपको बहुत ही खूबसूरत से ट्रिपल कैमराज का सेटअप मिल रहा है, जिसमें फर्स्ट कैमरा है 108 मेगापिक्सल का कैमरा, सेकंड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का और थर्ड कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का है। फ्रंट में आपको नोज डिस्प्ले मिल रहा है, जहाँ पे आपको जो कैमरा है 10 मेगापिक्सल का मिल रहा है। अब यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना भाई, 10 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो क्वालिटी है कैमरास की वो बहुत ज़्यादा आउट क्लास है, क्योंकि मेगापिक्सल इतने ज़्यादा मैटर करते नहीं। उसके अलावा बैक बिल्कुल सिंपल है और बहुत ज़्यादा ऑसम लुक दे रही है बैक। फ्रंट पे आपको जो स्क्रीन मिल रही है वो है 6.9 इंचेस की स्क्रीन। जी हाँ, यहाँ पे कुछ अरसा पहले ही हमें याद है कि टैब्स आया करते थे 7 इंचेस की स्क्रीन में, लेकिन यहाँ पे 6.9 इंचेस की स्क्रीन बहुत ज़्यादा बड़ी स्क्रीन है। मतलब अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं या वीडियोस देखते हैं तो ये स्क्रीन आपके लिए एक 20 स्क्रीन होने जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे जो नोट 20 अल्ट्रा में हमें रैम दी गई है वो है 12 GB की रैम, और यहाँ पे जो इंटरनल स्टोरेज है वो है 256 GB। यहाँ पे अब अपर भी वेरिएंट है जो है 512 GB की, लेकिन वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ये फ़ोन बाय करें तो आप 12 GB और 256 GB वाला वेरिएंट ज़रूर बाय करें। उसके अलावा ये फ़ोन है बेस्ड एंड्रॉयड 10 पे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब सारे न्यू फ़ोन्स आ रहे हैं एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड, तो ये भी एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है। अब यहाँ अगर हम मेन परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए स्नैपड्रैगन 865, जो कि अभी तक मार्केट में सबसे अच्छा प्रोसेसर है, मतलब चिपसेट है। तो ये जो चिपसेट है ये सबसे अच्छी मार्केट की है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पर्सनली कि यहाँ पे अब सैमसंग हमें कुछ और अपर लेवल की चीज़ें दिखाएगा चिपसेट में, मतलब और कोई अच्छा प्रोसेसर होगा इससे भी ज़्यादा वो ऐड करेगा, या एक्जनोस 990 जैसा ही है प्रोसेसर जो S20 अल्ट्रा में यूज़ किया, क्योंकि ये प्रोसेसर है एक्जनोस 990 के इक्वल, जो कि यूज़ किया था सैमसंग ने S20 अल्ट्रा में। बस फर्क यही है कि एक्जनोस 990 सैमसंग का ऑफिशियल प्रोसेसर है और ये स्नैपड्रैगन 865 प्लस है, जो कि इस फ़ोन में यूज़ किया गया वो एक यूनिवर्सल चिपसेट है। तो यहाँ पे यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे कोई नया चिपसेट आएगा जो कि हमें और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट का सबसे ज़्यादा अपर लेवल चिपसेट है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब यहाँ पे प्राइस को लेके, जो कि आप अभी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटिंग हूँ, क्योंकि यहाँ पे $1300 की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप जाते हैं ASUS ROG 3 की तरफ, या आप जाते हैं जो बाकी आपकी स्क्रीन पे फ़ोन्स आ रहे हैं जिसमें है Vivo X50 Pro या Poco M2 Pro, अब इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये फ़ोन्स भी देख लें, क्योंकि आपको इन फ़ोन में जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो थोड़ी सी और बेहतर मिल रही हैं और प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है। पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फ़र्स्ट पे आप देखें ASUS ROG 3 का रिव्यू, फिर आप देखें Poco M2 का रिव्यू, और लास्ट पे आप देखें Vivo X50 Pro का रिव्यू, क्योंकि ये तीनों फ़ोन आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी हैं S20 Ultra के ही लवर, तो यहाँ पे और मैं आपको स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे यूज़ की गई है जो बैटरी है वो है 4500 mAh की बड़ी बैटरी। यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता कि अगर आपको मिलती 6000 mAh की बैटरी, या आपको मिल जाती 5000 mAh की बैटरी, लेकिन 4500 है नॉर्मल, यह अच्छी है। यहाँ पे साथ जो आपको चार्जर मिल रहा है वो है 25 वॉट्स का, मतलब अगर आप 0 to 100 इस फ़ोन को चार्ज करना चाहते हैं तो आपको उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एक दफ़ा जब ये फ़ोन चार्ज हो जाएगा तो बैटरी टाइमिंग इसकी नॉर्मल होगी बाकी फ़ोन्स के मुकाबले। अगर आप इसकी बैटरी टाइमिंग को देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप S20 Ultra की बैटरी टाइमिंग को देख लें, क्योंकि अंदर के जो कॉम्पोनेंट्स हैं चिपसेट वगैरह वो सेम है और बैटरी टाइमिंग भी दोनों की सेम ही है, लेकिन S20 Ultra से Note 20 Ultra ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने 3 लिंक्स दिए हैं फ़ोन के, वो आप ज़रूर देखें, उनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो दोस्तों बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डेली ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। Thank you.